मैं जानता हूँ तू सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है, धर्म की खातिर बिकने के लिए आया, लेकिन राजन मैं तेरा धर्म नहीं बिगाड़ेगी और आज से तुझे हरिश्चंद्र नहीं हरिया कहकर के पुकारेंगे, नाम ही बदल देगा। बोले अपने घर में नहीं तुझे रखेंगे, बाहर रखेंगे। काशी के बीच में बगीचा था, उस बाग में राजा की झोपड़ी डाल दी। एक बहुत बड़े लालच सेठ थे, उनके यहाँ नाम लिखा दिया गया जितना भी राशन चाहिए यहाँ से ले जाना, क्योंकि तेरा धर्म नहीं बिगाड़ेंगे। कुमार यहाँ से रोजाना एक घड़ा लेकर के आना और भर के लाना। भैया राजा सोए उठते हैं, काशी की गलियों में झाड़ू लगाते हैं, कुमार के यहाँ से घड़ा लेकर के आते हैं, जल भर के लाते हैं। एक दिन की बात, विश्वामित्र ने अभी भी पीछा नहीं दिया, विश्वामित्र ने अभी भी पीछा नहीं दिया। महाराज हरिश्चंद्र भोजन कर रहे थे, एक पागल के रूप में आ गए, कहने लगे बहुत तेजी से भूख लगी है, भोजन हो तो दे दो। राजा सोचने लगे आधा भोजन जाए दे न रखो जाए, उठाया पूरा भोजन दे दिया। भैया 27 दिन राजा को हो गए बिना भोजन के, और जिसके पेट में अगर अन्न न जाए तो चल पाएगा, इतनी शक्ति इतनी ताकत नहीं रहेगी कि 2 कदम आगे चले। महाराज हरिश्चंद्र एक दिन की बात है, घड़ा को उठाया नदी पर पानी भरने गए,